नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 16 है, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? यानी एक क्लास है कोई जिसमें टोटल छात्र कितने हैं, 45 हैं, ठीक है, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 40। तो अगर हम इन दोनों का योग निकालना चाहें तो इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो पूरी छात्र का, जो पूरी क्लास है उसका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आएगा। तो टोटल क्या निकल के आएगा, 45 गुणा 40, यानी 45 छात्रों के जो प्राप्त अंक हैं वह कितने हैं, 45 गुणा 40। अब उसने कहा कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 16 है, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, अब जो अनुत्तीर्ण हुए छात्र हैं उनका औसत है 16 है। अब उत्तीर्ण कितने होंगे, टोटल है 45, तो उत्तीर्ण हम निकालने को बैठेंगे तो 45 में से हम एक्स को माइनस कर देंगे तो ये छात्र निकल के आएंगे जो कि पास हो गए या उत्तीर्ण हो गए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टोटल योग कितना है, 45 गुणा 40। अब इसमें पास वाले स्टूडेंट भी हैं और फेल वाले भी स्टूडेंट हैं। फेल कितने हुए, एक्स छात्र फेल हुए जिनका औसत था 16 प्लस उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, 45 माइनस एक्स जिनका औसत कितना था, औसत था 52। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 45 और 40 यहीं लिखा रहेगा, यह 16x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये 45 गुणा 52 रहेगा और माइनस का 52x रहेगा। अब 52 में से 16 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 36x बचेगा, वो भी माइनस का, साइड हम चेंज कर देंगे तो प्लस का 36x आ जाएगा। यहाँ 45 गुणा 52 माइनस ये हो जाएगा 45 गुणा 40, एक्स बराबर। अब यहाँ हमने 45 को बाहर लिख लिया तो 52 और माइनस क्या बचेगा, 40, तो 52 में से 40 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा और नीचे 36 आ गया। 12 से काटेंगे, 12 थी 36, 3 से काटेंगे 15 थी 45, तो एक्स बराबर कितना निकल के आया, एक्स बराबर निकल के आया 15 है। यानी 15 क्या माना था हमने, अनुत्तीर्ण छात्र माने थे, तो 15 छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हो गए। अगर पास की संख्या पूछ लेता तो हम 45 में से 15 घटा देते तो 30 छात्र पास हुए उत्तीर्ण और 15 छात्र अनुत्तीर्ण हुए फेल, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से आपको लगाना है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।